देखिए नदी, सामने गार्डन, उसके सामने मंदिर और पीछे वहां पे ऐसे बैकग्राउंड में पहाड़। ये हम पहुंच चुके हैं गजानन महाराज संस्थान और ये पूरा पार्किंग है ऐसा एंट्री लेते ही। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम अभी अभी ब्रह्मगिरी का ट्रैक करके यहाँ पे पहुंचे हैं। मम्मी पापा लालू भाई भाभी ऑलरेडी यहीं पे थे, हमने ट्रैक किया और अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले मैं आपको ये आश्रम दिखाता हूँ कि ये आश्रम कैसे किस जगह पे स्थित है। देखिए दोस्तों, ये नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड है और उसी रोड पे ये आश्रम स्थित है। सामने त्र्यंबकेश्वर का प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, 500 मीटर ही दूर है यहाँ से मंदिर। जैसे ही आप आश्रम के इस गेट में से प्रवेश करते हैं, सबसे पहला आपको अपना गाड़ी राइट साइड पे पार्क कर देना है। पार्किंग में बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, फ्री पार्किंग है। यहाँ से आपको अपना सामान अपने साथ लेके जो ट्रॉलीज है उसमें डाल के अपने रूम्स तक ले जाना रहता है। आपको थोड़ा एडवांस में सुबह जल्दी आके यहाँ पे बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। आपको वॉक इन जो ही आता है उसके नंबर के हिसाब से उसको यहाँ पे रूम अलॉट करते हैं। देखिए बीच में सुंदर मंदिर बना हुआ है। पूरे त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में सबसे अच्छी अगर रहने और खाने की जगह हैं तो वो यहीं पे हैं। काफ़ी नॉमिनल रेट में आपको रूम मिल जाते हैं यहाँ पे। भोजन की व्यवस्था भी एकदम शुद्ध शाकाहारी। यहाँ पे जो भी हैं वो सभी सेवादार हैं, तो काफ़ी सेवा की भावना से, काफ़ी प्रेम से आपको ट्रीट करते हैं। और ऐसा पहाड़ियों के बीच में और ये साथ में ही नदी जाती हुई, ये सभी जो अपनी बाईं ओर आप देख रहे हैं भक्त निवास हैं। एसी नॉन एसी रूम्स 300-400 रुपए से शुरू करके 1000 रुपए तक, जैसी कैटेगरी का आप रूम लेते हैं वैसे रूम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे भीड़ हमेशा लगी रहती है। हम लोग कल आए थे तो कल ये पूरा फुल था और कल हम बाहर रुके होटल ध्रुव में और अभी हमें यहाँ पर रूम्स मिल गए। यहाँ पे आते ही ये ऑफिस है जहाँ पे आप रूम्स अपने बुक करवा सकते हैं। और ये पूरा यहाँ पे मार्बल से बना हुआ एकदम सुंदर मंदिर, गार्डन भी है। सभी भक्त निवास बने हुए हैं। कपड़े सुखाने के लिए भी देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। तो यात्रियों को जो भी सुविधाएं चाहिए वो यहाँ पे इजीली उपलब्ध हैं। ये सामने लेफ्ट साइड पे भोजनालय यानी कि प्रसादालय है और राइट साइड पे जो डिलक्स रूम के भक्त निवास हैं वो है। हम लोग भी वहीं पे स्टे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अल्पाहार प्रसादालय बना हुआ है और ये भक्त निवास 3 और 4। तो अपना भक्त निवास 3 है तो यहीं से अंदर जाते हैं भक्त निवास क्रमांक 3 में। देखिए इस भक्त निवास में सिर्फ डिलक्स रूम्स हैं यानी कि एसी रूम्स हैं और काफ़ी साफ सुथरा वातावरण। प्रवेश करते ही देखिए यहाँ पे सोफा वगैरह लगे हैं। अपने रूम नंबर 1 और 2, ये है रूम नंबर 1। ये देखिए कुछ ऐसे रूम्स, ट्रिपल बेडेड रूम है, सोफा है, एसी है, अटैच बाथरूम और कपबोर्ड भी है।
तो इतनी सारी सुविधाओं से संपन्न, और इस रूम का चार्ज क्या है लालू भाई? 950 रुपए में एसी रूम इतनी सुविधा के साथ। ये देखिए गीजर भी है, बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन। और यही है श्री गजानन महाराज जिनकी सेवा में ये आश्रम भक्तों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत है। ये है अपना रूम। ओहो पापा को ठंड लग रही है क्या? तो चलिए अब रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे और थोड़ा घूमेंगे। 2 hours later तो दोस्तों मस्त सो के उठ चुके हैं, अभी एकदम फ्रेश। इस संस्थान की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे ज़रा भी कचरा नहीं है, क्लीनलीनेस A1 बहुत ही सुंदर है। और अभी शाम के बजे हैं 6, रूम से निकल के थोड़ा टहलने के लिए निकले हैं, अब तक आराम ही किया था। और देखिए अभी इस मंदिर में भी जाना है, तो मंदिर में जाके दर्शन प्राप्त करके फिर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो दोस्तों शाम का समय है, आश्रम में ही हूँ, देखिए ये बिल्कुल पार्किंग से ऐसा सटके ये जो नदी बह रही है काफ़ी सूदिंग लग रही है। देखिए नदी, सामने गार्डन, उसके सामने मंदिर, और पीछे वहाँ पे ऐसे बैकग्राउंड में पहाड़, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर। यहाँ पे मैंने देखा कुछ टॉयलेट ब्लॉक्स भी हैं, तो अगर आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है, सीधा आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपकी नहाने की व्यवस्था हो सकती है। दोस्तों बाहर थोड़ा शॉपिंग करके अभी हम ये मंदिर परिसर के अंदर आ गए हैं। पीछे देखिए पूरा ब्रह्मगिरी बादलों से ढक गया है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, बहुत ही सूदिंग, शांत और काम यहाँ पे वातावरण है। मंदिर परिसर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, एकदम शांत वातावरण है। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़, ये गार्डन और ये अद्भुत मंदिर। वैसे मंदिर के अंदर कोई वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, ये आश्रम पूरा यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। आप कुछ मंदिर के अद्भुत नज़ारे यहाँ से देखें। दोस्तों आज का दिन यहाँ पे एंड करते हैं, अभी बजा है 9:15, कब के रूम पे आ गए हैं, 6 बजे आपको दिखाया, बाहर निकले थे थोड़ा घूमे, बाहर जाके मंदिर के दर्शन किए यहाँ पे। बस देखिए सुबह कितनी जल्दी आज दिन का शुरुआत किया था हमने, सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, 5:30 बजे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, फिर गंगा द्वार गए, वापिस आए, फिर से गंगा द्वार होके ब्रह्मगिरी चढ़े और ऊपर तक जाके आए, फिर दोपहर को 3:30-4 बजे यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा नाश्ता किया और फिर सो गए। 6 बजे बाहर निकले, थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर 7 बजे
हमने यहाँ पे डिनर किया। आश्रम का खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा, एकदम साफ़ सुथरा, जगह भी एकदम साफ है। और 35 रुपये पर पर्सन हमने वो खाना खाया और उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं। आगे सेंटर एरिया में आपने देखा होगा, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह है, तो वहाँ पे बैठे हैं और बस गप्पे लड़ा रहे हैं। अब मिलेंगे आपको कल सुबह। कल सुबह यहाँ से जल्दी निकलना है, 7:30-8 बजे यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे इगतपुरी और फिर वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। इगतपुरी इज फॉग सिटी ऑफ इंडिया, तो उसको करेंगे एक्सप्लोर। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत। आज अभी हम यहाँ से निकल के इगतपुरी जाने वाले हैं। अभी बजे हैं 8:30-8 का यहाँ से निकलने का टारगेट था। अभी अभी हमने यहाँ पे भक्त निवास में नाश्ता किया, पोहे और उपमा। पोहे का रेट था 7 रुपये, उपमा थी 11 रुपये, 7 रुपये का दूध, 7 रुपये की चाय और 9 रुपये की कॉफ़ी। तो ये रेट्स हैं यहाँ पे, तो सच में एक सेवा का कार्य हो रहा है श्री गजानन महाराज आश्रम के द्वारा। और भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं बहुत ही नॉमिनल रेट्स में। तो आप जब भी यहाँ पे आए, यहाँ पे रुके, एक ही चीज़ है, आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं इगतपुरी के लिए। सामान सब कुछ गाड़ी में रख दिया है और सब अभी रेडी है, चले चलते हैं। तो ये व्लॉग तो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, तो आगे की कहानी इगतपुरी की हम देखेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ट्रैवल विद चिंतन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्वच्छता बहुत ही अच्छी है, देखिए एकदम क्लीन रहता है पूरा कैंपस जो यहाँ का है। वो पेड़ की पत्तियाँ भी गिरी नहीं पाओगे आप, लेकिन लगेज के लिए ऐसी ट्रॉलियाँ यहाँ पे रखी हुई है, ये पार्किंग लॉट से सटा हुआ है। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।